नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहाँ पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और कम्युनिटी बाजार में आज कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने का बाजार देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1854 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर का बाजार $21.60 पर। सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें पहले के मुकाबले एक हल्की सी मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। डॉलर में नरमी आई है हल्की सी, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेज हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता नज़र आया है। तो अब गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर क्या कीमतें रहेंगी आगे और आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे गोल्ड और सिल्वर में अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर जो प्राइजेस हैं हल्के से रिवाइव हुए हैं, आपको क्या लगता है ये जो डॉलर में नरमी आई है तो क्या ये और गहराएगी और क्या गोल्ड सिल्वर के जो प्राइजेस हैं उनको यहाँ पर थोड़ा और बल मिलेगा? देखिए, का सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सोने और चांदी की कीमतों में। और मैंने पहले भी यही बताया था कि हम निचले स्तर पर इससे बाइंग की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस जो है अभी तेजी की तरफ ही है। एक डॉलर की में आ रही स्ट्रेंथ की वजह से वीकनेस देखने को मिल रही है। मार्केट जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से गोल्ड जो है बाइंग में आ चुका है और 1840 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से 1860 से 1880 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, कच्चे तेल में क्या लगता है आपको? WTI देख रहे हैं $109 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 पर। रूपा जी, खबरें तो यही है कि मार्केट में अभी क्रूड की जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली है, जबकि सारे देश कह रहे हैं कि रशिया के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाएंगे। और दूसरा, अब चाइना में भी जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी कुछ ढीले दी जा चुकी हैं, तो क्या चाइना के आने से मार्केट में जो कच्चा तेल है उसके दाम बढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पे घटेंगे? देखिए, अभी थोड़ा सा डिमांड फैक्टर अगर हावी होता है तो डेफिनेटली एक सपोर्ट कीमतों को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, प्राइसेस में एक अपसाइड बन सकता है। लेकिन वही अब हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल अब एक रेंज पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, $100 से लेकर $120 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। और आज जैसे हल्की करेक्शन है तो नीचे में $108 से $106 तक का स्तर हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन जब तक $100 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है तब तक मार्केट में पॉजिटिवनेस है और जो फंडामेंटल है वो भी अभी सपोर्टिंग है। तो अभी कोई बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको, क्या चाइना के वापस से मार्केट में आने से बेस मेटल्स पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल डिमांड जो है वो पिकअप होती नजर आएगी और हमने देखा भी है कॉपर को, आप देखिए जो कि 740 के आसपास ट्रेड कर रहा था अब 780 के पार निकल चुका है। तो यहाँ से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जिंक में भी अगेन खरीदारी लौटी है और 326 पर जिंक आता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है सिनेरियो और अभी यहाँ से मुझे लगता है कि जिंक 340 तक तो ऊपर 800 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में क्या लगता है? नेचुरल गैस देख रहे हैं $8.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देखिए, नेचुरल गैस भी पॉजिटिव है और इसमें भी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब यहाँ से नेचुरल गैस भी 700 तक ऊपर एक बार फिलहाल जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के साथ साथ आज सोना चांदी में भी खरीदारी की जा सकती है और जो चांदी है, चांदी आज 61,500 से लेकर 61,800 तक के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।